नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पी के प्रेडिक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वुमेन रीजनल T20 में होने वाले एक और लीग मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा साउथर्न ईस्ट स्टार्स एंड सेंट्रल स्पार्स सेवीज। दोनों ही टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेल लेंगी इस लीग का, जहाँ पर साउथ ईस्ट स्टार अपना पहला मुकाबला जीत के खेलेगी, वहीं CS सेंट्रल ब्लॉक जो है अपना दूसरा पहला मुकाबला हारने के बाद साउथ ईस्ट स्टार से टकराएगी और पहली जीत जो है उस उम्मीद में ये मुकाबला खेलेगी। तो दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे हम इस मैच की और देखेंगे हमारे टॉप 11 फैंटसी पिक्स कौन सी होंगी जो ड्रीम 11 में आपको एक अच्छी विनिंग करा सकती हैं, आप किसी भी अदर फैंटसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक अच्छी विनिंग करा सकती हैं। तो बस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक अनुरोध है दोस्तों आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल VK प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट आज अपडेट पाने के लिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल VK प्रेडिक्शन इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। हेड टू हेड के लिए सभी पॉसिबल टीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पर VK प्रेडिक्शन और जाकर ज्वाइन हो जाइए। ओके तो आइए अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम दोस्तों यहाँ पे दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे, तो देखिए अगर SCS की बात की जाए तो यहाँ पे जो पहले खेले थे वो पी स्मिथ खेले थे, 30 रन किया था इन्होंने और 4 विकेट लिए थे, इसी की दावे बदौलत जो है SCS को बहुत आसानी से मुकाबला जीत लिया था। एक स्टोन 12 रन किए थे, एक FC 21 रन, पी फ्रैंकलिन 24 रन, जी गेवेंस 11, एसरो 2 रन। उसके बाद बैटिंग ही नहीं है, 6 विकेट से मुकाबला जीता था। और विकेट की बात की तो ईजोन ने एक लिया था, के मोरे ने 2 लिया था, स्टोनलेस एंड डी जॉर्जर ने एक एक विकेट लिए थे एंड यहाँ पे 20 मिनट बड़ा नाम था, 4 विकेट लेकर गई थी। तो यहाँ पे देखिए 20 में तो कैनलॉस दोनों ओपन करेंगे, कैप्सी और फ्रेंकलिन मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, गिवेंस एंड रो भी मिडिल ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगी। बाकी यहाँ पे के मोरे, ईजोन्स, स्टोबेंस, जॉर्ज ये बॉलिंग का चाल चलन देखेंगी। तो अब बात करें CS के जो पहला मुकाबला हार गई थी वो इसलिए बिकॉज बैटिंग स्टार्टिंग की बहुत दगमगा गई थी, ईजोन्स, टी ब्रुक जैसे बड़े खिलाड़ी 2-2 रन बना के आउट हो गए, एम कैली अच्छा माला 35 रन की पारी खेली और फिर जी डिवाइस भी 0 रन बिना खाता खोले आउट हो गए जल्दी। ईयर लॉर्ड की बात की जो 22 रन की है, एक विकेट भी लिया, आई वॉन्ग 0, सिहिल 0, फिर सब लगभग 0 ही बना के आउट हुए हैं। विकेट्स की बात की जो ईयर लॉर्ड और जी डिवाइस के रूप ही विकेट लिए 2 विकेट और बाकी किसी कोई भी विकेट लेने में सफल नहीं हो पाया। तो ये तो थी दोनों ही टीमों की पहले मैच के हालात और इसी के बिहार पे हम टीम का चयन करेंगे। तो देखिए एक मैच से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, अगर एमी जॉन्स खेलती तो ले सकते हैं, अगर नहीं खेलती एमी जॉन्स तो आप मत लीजिएगा, अभी जो खेल रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो विकेट कीपर मुझे लगता है जी डिवाइस ही, वहाँ पर चाहूँ सी हिल ही बेटर है CES की तरफ से। ओके अगर एमी जॉन्स खेलती हैं तो टीम में नहीं जाना आएगी, जो थोड़ा मुश्किल है तो आप सी हिल के साथ जाएँ बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए ई जॉन्स को लीजिए, ई जॉन्स हालांकि आउट हो गई थी CES की तरफ से पहले लेकिन ख़तरनाक हैं तो आप इन्हें ज़रूर लीजिएगा। एम कैली CS की ही तरफ से हैं, इन्होंने देखी है 35 रनों की पारी के लिए, ई जॉन्स और एम कैली इन दोनों को मैं अपनी टीम में ले रहा हूं और साथ ही मैं CES के ही सी हिल को ले रहा हूं मैं एज ए विकेट कीपर। सी हिल यहां पे आपको देखिए 14 रन किए थे तो नीचे बहुत आएंगे लेकिन T20 में मुझे लगता है सी हिल थोड़ा सा संभाल लेंगे, हो सकता है प्रमोट कर दिया जाए इस मैच में। ऑलराउंडर में देखिए CES के ही मैं देख रहा हूँ भी, तो ईयर लॉर्ड 21 रन की पारी के लिए प्लस एक विकेट लिया था, तो 22 रन की पारी के लिए प्लस एक विकेट अच्छा ऑप्शन है। देन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा SCS के एक FC को, SCS की है एक FC काफ़ी बेहतरीन आपको मिलेंगी। देखिए 21 रन किए थे और 1 डाउन आएंगी तो एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी एक FC यहाँ पे। देन यहाँ पे वी स्मिथ को आप लीजिए, 4 विकेट लिए थे प्लस बैटिंग करना ओपन करेंगी तो 30 रन किए थे उन्होंने, तो ये तो कप्तान के रूप में सबका रहेंगी। देन यहाँ पे बाकी कोई इतनी अच्छी ऑप्शन है नहीं, अगर आप चाहें तो ये साउथ हाउस को ट्राई कर सकते हैं SCS की तरफ से, अच्छा किया था इन्होंने और थोड़ा सा नीचे आई थी, एक विकेट लिया था खाली और ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, तो आप ये साउथ हाउस के साथ जा सकती है। बाकी कोई यहाँ पर बड़ा नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे सारा क्लैन खेलती हैं CES की तरफ से तो आप ले सकते हैं, वो तो खेलती हैं तो बड़ी बात होगी। बॉलिंग में देख सकते हैं, बॉलिंग में यहाँ पर आपको आई वॉन्ग मिलेंगी जो कि
पहले मैच में कुछ अच्छा नहीं किया था सीएस की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है आई वॉन्ग इस मैच अच्छा करेंगे। बैटिंग करने उपरांत एक अच्छी ऑप्शन रहेगी सीएस की तरफ से। केम ओरे सीएस की तरफ से पकड़िए जरूर दो विकेट लिए थे पहले ही मैच में, शानदार परफॉर्मेंस दी थी केम ओरे ने। दो विकेट लेना बड़ी बात है तो लेंगे। जी गिब्स को भी लूँगा मैं, जी गिब्स ने भी अच्छी ऑप्शन है, बैटिंग करने ये बहुत ऊपर आती हैं तो इसलिए मैं जी गिब्स को लेना चाहूँगा। तो ये तीनों तो मैं अपने उसमें डालूंगा ट्री फ्रंट, बाकी खेलेंगे। बाकी आप जी डिवाइस को ले सकते हैं, जी डिवाइस एस सी एस की तरफ से ही खेलते हुए नज़र आएंगे। और जी डिवाइस देखिए ओनली सेकंड विकेट डाउन आई थी तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, रन नहीं किया अलग ही बात अलग है, लेकिन ऊपर आएंगे तो ये ऑप्शन अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखिए ई जॉन्स एस सी एस के ई जॉन्स को मैं लेने जा रहा हूँ, तो मेरी फाइनल चॉइस होंगी। या फिर एक क्रेस्टोन को ले सकते हैं, एक क्रोस्टोन भी एक अच्छी ऑप्शन है, तो एक क्रोस्टोन को भी आप अपने रख सकते हैं। एक क्रोस्टोन ने बहुत अच्छा काम किया था, 31 पॉइंट किए थे एक क्रोस्टोन ने एस सी एस की तरफ से, तो वो भी खेलते हुए नज़र आएंगी। 12 रन किए थे, ज़्यादा ओपन करेंगी अच्छी बात है, लेकिन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ई जॉन्स को, एस सी एस की हैं ई जॉन्स, जो आपको थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने नज़र आएंगी, लेकिन एक ख़तरनाक बॉलर हैं और बैटिंग भी हैं, तो मिडिल ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगी फिलहाल, लेकिन बेहतरीन बैट्समैन है तो मैं ज़रूर लूँगा। खुद से ओपन करेंगे इस तरह कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। फाइनली टीम रेडी हो चुकी है, अगर आप चाहें तो ई जॉन्स की जगह आप ले सकते हैं, बट मुझे लगता है तीनों सही रहेंगे। कप्तान वाइस कप्तान की अगर दोस्तों बात की जाए, यहाँ पर देखिए पी एस में बिल्कुल परफेक्ट है, अरलोट मत लीजिए बेटर रहेगा, मुझे लगता है अरलोट की जगह के। आई वॉन्ग फिलहाल कुछ किया नहीं तो कह नहीं सकते हैं, एम कैली भी अच्छी ऑप्शन है जब वाइस कप्तान, अरलोट बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेंगी, लेकिन मैं ले जाऊँगा एम कैली के साथ। आप चाहें तो अरलोट ले सकते हैं, बट मैं एम कैली के साथ थोड़ा सा इसके लिए लूँगा। यहाँ पर बात करें जब टीम फाइनली रेडी, तो देख सकते हैं जब विकेट कीपर मैंने लिया है सीहेल को, तीन और बहुत बैट्समैन लिए हैं एम कैली ई जॉन्स एंड यहाँ पर एम कैली को मैंने वाइस कप्तान किया अपनी टीम, तीन ऑलराउंडर्स के साथ जा रहा हूँ। 20 मिनट मेरे कैप्टन रहेंगी ईयर लोट एंड एक कैप्सी, एक और ऑलराउंडर है वो मैंने आपको सजेशन में दे दिया पहले, आप चाहे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। चार बॉलर्स के साथ जी गिब्स आई वॉन्ग जी डिवाइस एंड के मोरेम, ये चार मेरे बॉलर्स रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली टीम रेडी हो चुकी है, अभी तो फ्रेंड्स ये डेमो टीम ही है, टीम है जो फाइनल लाइनअप की हेड टू हेड की टीम आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वी के प्रेडिक्शन में मिलेगी। तो हमारा चैनल इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए वहाँ पे आपको ये लिंक आराम से मिल जाएगा, तो लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाओ हमारे चैनल पे। और हेड टू हेड की टीम फाइनल लाइनअप की टीम का वेट कीजिएगा, आपको मिलेगी हेड टू हेड की पॉसिबल टीम से हम देने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो भी फाइनल लाइनअप की टीम आएगी जो भी अच्छी होगी बेस्ट होगी हमारी तरफ से मिलेगी आपको, ओके, और अच्छी विनिंग होगी आई होप। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे लेटेस्ट आज अपडेट आने वाले प्रत्येक मैच के आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।